एक ऐसा देश जहां आपको ग्रेजुएशन डिग्री हासिल करने से पहले 10 पेड़ लगाने होंगे। एक ऐसी जगह जहां हिंदू समाज के लोग मस्जिद में 5 वक्त अनाज देते हैं और दूसरी ओर एक मुसलमान हर दिन मंदिर में दिया जलाता है। और एक ऐसी महिला जिसके मुंह से डॉक्टरों ने निकाला 4 फीट लंबा सांप। और क्या आप जानते हैं निर्मा वॉशिंग पाउडर के पैकेट पर नजर आने वाली ये लड़की कौन है? और 168 साल पुराने एक आटा चक्की आज भी पानी पर कैसे चलती है? और इस गणेश जी जैसे दिखने वाले बच्चे की क्या है सच्चाई, जानने के लिए बने रहिए हमारी आज की इस वीडियो के साथ अंत तक। नंबर 9। एक और बहुत से लोग सोशल मीडिया के जरिए देश में धार्मिक नफरत फैलाते रहते हैं, वहीं दूसरी ओर देश में आज भी कई ऐसी जगह है जहां धार्मिक एकता की अनोखी मिसाल देखने को मिलती है। बिहार के नालंदा के माड़ी गाँव में एक मस्जिद है, पर इस गाँव में रहने वाले सभी मुसलमान रोजगार की तलाश में गाँव से जा चुके हैं। इस वजह से इस मस्जिद में अनाज देने वाला कोई भी मुसलमान गाँव में नहीं है, जिसके बाद गाँव के हिंदू भाइयों ने मस्जिद की देखभाल की जिम्मेदारी उठा ली और टेप रिकॉर्डर की मदद से हर दिन 5 वक्त इस मस्जिद में अनाज दी जाती है। इस मस्जिद के पास एक मजार भी है जहां हर धर्म के लोग शादी से पहले आकर माथा टेकते हैं। दूसरी ओर असम में 500 साल पुराने एक शिव मंदिर भी है जिसकी देखभाल मोतीबार रहमान नाम के एक मुसलमान शख्स करते हैं। मोतीबार हर दिन मंदिर की सफाई करके दिया जलाते हैं। ये है हमारा हिंदुस्तान। नंबर 8। कुछ समय पहले ही रूस की एक महिला अपनी बगीचे में मुंह खोल कर सो रही थी। जब इस महिला की नींद खुली तब उसे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, जिसके बाद वो डॉक्टर के पास पहुंच गई। डॉक्टर ने महिला की जांच की, जिसके बाद पता चला कि इस महिला के गले से लेकर पेट तक कोई चीज फंसी हुई है। और जब डॉक्टर ने महिला के मुंह से उस चीज को निकाला तब उसे देखकर डॉक्टर के भी होश उड़ गए। महिला के मुंह से निकाली गई चीज कोई साधारण चीज नहीं बल्कि 4 फीट लंबा एक खतरनाक सांप था। ये महिला जब अपने बगीचे में मुंह खोल कर सो रही थी तभी ये सांप उनके मुंह में घुसकर अंदर तक चला गया। अच्छी बात ये रही कि घटना में महिला की जान बच गई। नंबर 7। रूस में एक ऐसा कानून मौजूद है जिसके मुताबिक अगर कोई इंसान सॉरी हैवान किसी महिला का रेप करने की कोशिश करता है तब वो महिला अपनी आत्मरक्षा में उस रेपिस्ट की जान ले सकती है। अपनी इज्जत बचाने के लिए की गई इस हत्या के लिए महिला के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लगाया जाएगा और उन्हें किसी भी प्रकार की सजा नहीं मिलेगी। ऐसा कानून पूरी दुनिया में लागू होना चाहिए। नंबर 6। गणेश जी के रूप में नजर आ रहे इस बच्चे की तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुई। इस तस्वीर के साथ ये दावा किया जाता है कि इस बच्चे का जन्म गणेश जी के रूप में हुआ है। बहुत सारे लोग इस तस्वीर पर यकीन कर चुके हैं और वो इसे भगवान का चमत्कार मानते हैं, लेकिन इस तस्वीर के सच्चाई कुछ और है। ये तस्वीर तो सच है लेकिन ये किसी बच्चे की तस्वीर नहीं बल्कि ये ऑस्ट्रेलियन आर्टिस्ट पेट्रिसिया पिक्सिनिनी का आर्ट वर्क है। पेट्रिसिया पिक्सिनिनी ने 2010 में इस आर्ट वर्क को बनाया था और लगभग 10 साल से ज्यादा बीत जाने के बाद इस तस्वीर को गलत दावों के साथ शेयर किया जा रहा है। नंबर 5। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि निर्मा वॉशिंग पाउडर के पैकेट पर नजर आने वाली ये लड़की कौन है? सफेद फ्रॉक पहने इस लड़की का नाम है निरुपमा और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि निर्मा वॉशिंग पाउडर की शुरुआत करने वाले करसन भाई की बेटी ही है। पिता की दुलारी निरुपमा को पूरा परिवार निर्मा कहकर बुलाता था। करसन भाई हमेशा से ये चाहते थे कि उनकी निर्मा बड़ी होकर पूरे देश में नाम कमाए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और स्कूल में पढ़ने के दौरान ही एक एक्सीडेंट में निर्मा इस दुनिया से चल बसी। ऐसे हादसे ने करसन भाई को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया, लेकिन फिर उन्होंने अपनी प्यारी बेटी को हमेशा के लिए अमर करने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने वॉशिंग पाउडर बनाना शुरू किया और उसका नाम निर्मा रखा। उन्होंने पैकेट पर भी अपनी बेटी की तस्वीर लगा दी। इस तरह से करसन भाई की निर्मा हमेशा के लिए अमर हो गई। नंबर 4। अभी हाल ही में दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से उज्बेकिस्तान के 2 नागरिकों को सोने की तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस को इन दोनों के पास से 951 ग्राम सोना मिला। ये दोनों स्मगलर सोने को इस तरीके से अपने साथ ला रहे थे जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। इन दोनों ने सोने का डेंचर्स और मेटलिक चेन बनवा रखा था। उन्होंने डेंचर्स को अपने दांतों के ऊपर सेट किया और मेटलिक चेन को पूरे मुंह में भर रखा था। इतने शातिर तरीके से तस्करी करने के बावजूद ये दोनों कस्टम डिपार्टमेंट की नजरों से बच नहीं सके। नंबर 3। पाकिस्तान में हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार किसी से छुपा हुआ नहीं है। हिंदुओं पर अत्याचार करने के साथ ही वहाँ मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है। हाल ही में रहीम यार खान इलाके में एक गणेश मंदिर में तोड़फोड़ की गई। इसके बाद से पाकिस्तान में रह रहे हिंदू समाज के लोगों का गुस्सा चरम पर पहुंच चुका है। ये लोग अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ कराची की सड़कों पर उतर आए हैं। इंसाफ की मांग के लिए कराची की सड़कों पर जमा हुए ये लोग जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे भी लगाए। इस प्रदर्शन में सिख, ईसाई और पारसी धर्म के लोग
लोग भी शामिल हुए। नंबर टू, फिलीपींस ने अपने देश में पेड़ों की संख्या को बढ़ाने के लिए एक नया कानून बनाया है। इस कानून के मुताबिक अब इस देश में ग्रेजुएशन करने वाले हर स्टूडेंट को ग्रेजुएशन कंप्लीट होने से पहले कम से कम 10 पेड़ लगाने होंगे। यदि उन्होंने 10 पेड़ लगा लिए तो उन्हें डिग्री मिलेगी। इस कानून को पेश करने का एक ही मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को कम किया जाए। अगर इस कानून पर अमल किया गया तो फिलीपींस में हर साल 175 मिलियन नए पेड़ लगाए जाएंगे। अगर हर साल इतनी तादाद में पेड़ लगाए जाए तो फिर फिलीपींस में एक जनरेशन के द्वारा लगभग 525 बिलियन पेड़ लगाए जाएंगे। नंबर वन, आज के दौर में लगभग सभी आटा चक्की बिजली से चलते हैं, लेकिन मुजफ्फरनगर में आज भी ये एक ऐसी आटा चक्की है जो पानी पर चलती है। पानी पर चलने वाली ये आटा चक्की कोई आधुनिक खोज नहीं बल्कि 168 साल पुरानी तकनीक है। पानी वाली ये चक्की अंग्रेजों के जमाने की है। आप सोच रहे होंगे कि 168 साल पुरानी ये चक्की पानी पर आखिर चलती कैसे है। चक्की में लोहे के बड़े बड़े पंख लगे हुए हैं। नहर का पानी इन पंखों के ऊपर गिरता है। पंखे पर पानी गिरने से पंखे घूमते हैं और जब ये पंखे घूमते हैं तब चक्की चलती है। हैरानी की बात यह है कि ये चक्की आज भी काम करती है और आसपास के लोग इसी चक्की का पिसा हुआ आटा खाते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा कॉमेंट्स में जरूर बताएं। इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।